तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं, तुम्हारे लिए यहीं से ही रहेगा, समझी? किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ, अपना ख्याल खुद रखना सीखो। एक ये दवाई लेना याद नहीं रख सकती तुम? चेंज नहीं किया? नहीं, वो टेनी को दवाई देने का टाइम हो गया था तो रह गया, चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है। तू तो देख रहा है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मेरे पापा आज कितने खुश हैं, कैसे बताऊं उसको कि उनकी खुशी बस अब थोड़ी देर की और है। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली हमने आज? नहीं नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं। मेरी मॉम चाहती हैं कि उनकी होने वाली बहू की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। अब उनकी बात टाल के मुझे डांट थोड़ी खानी है। पता है, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं ना, वो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें तो अपनी फैमिली से इतना प्यार करती हो। हाँ, करती हूँ, और इसलिए मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। एक्चुअली सेजल आई थी मेरे पास, जो कुछ उसने किया उसके लिए माफी मांग रही थी। मुझे भी ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, तो मैंने उसे माफ कर दिया। ऋषभ, मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप भी उसे माफ कर दो। ऋषभ प्लीज, मेरे कहने पर। ओके, बट सिर्फ आपके कहने पर। वाह, मम्मी जी की तरह आपने मेरी बात भी नहीं डाली ना। किसे फोन लगा रही हो? अब आपने मेरी इतनी बात मानी है तो प्लीज एक बात और मान लो। मैं सेजल को फोन लगा के देती हूँ, आप उसे अपने घर बुला के सारी बातें साफ कर लीजिए, ताकि उसका मन भी थोड़ा हल्का हो जाए। प्लीज। बाहर जाओ ना, मुझे कपड़े बदलने। मैं क्यों जाऊं? मैं पति हूं तुम्हारा। इस बार मैं बाहर ही जा रहा था, तो तुम्हें बस ऐसे तो मैं जा रहा हूं, बस निकल ही रहा हूं। मैं निकल गया बाहर, बाय। भास्कर, डिनर जाने के लिए नानी का, पर नानी का तो अभी तो नहीं कहा। अरे पर नानी का तो उसका मतलब हाँ ही हुआ ना, राइट? यस। एक काम करता हूँ, अब डिनर पे जाके सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। क्या बात है, हमेशा फूस बल्ब की तरह लटका तो बड़ा डिस्को लेट वाली लेट मार रहे, इतना खुश लग रहा है तू?
कैसी दोस्त हो तुम? मेरे लिए खुश होने के बाद जल रही हो? वैसे शौर्फरी मेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अम्बे माता जी, भारत को हिम्मत देना, क्योंकि अभी जितना चमचमा के जा रहे ना, उतना ही मुंह लटका के लौटेगा। और ये बात मैं इसको नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है इसके साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात, एकदम फुल पटा लेना उसको। हाँ, मैं और टुन्नू, हम दोनों बहुत खुश है तेरे लिए, है ना टुन्नू? हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। आए देखना तुम, इस बार ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, और तुम्हारे और शौर्य के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसे मैं दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हम भी माता जी करें, तेरी बात सच हो जाए और तू सब ठीक कर दे भारत। चलिए, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? मैं टेनिक को समझा रहा था कि अभी उसे बचपना छोड़ देना चाहिए और अपनी दवाइयां टाइम पे खानी चाहिए, है ना? चले। और हाँ, मेरे लिए भी कुछ जरूर लेके आना। वो टुन्नू की वजह से मोटी हो गई, पुराने कपड़े कोई फिट ही नहीं आते, मेरे को भी नए कपड़े चाहिए। और हाँ सर्वरी, अगर मेरे लिए तू कुछ नहीं लेके आई ना, तो पारत तेरे को जो दिलाएगा वही उठा के पहन लूंगी, फिर मुंह मत बनाना, समझी? बंदी तो कर रखा है भारत, सब कुछ जानती हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं सकती। और आज जो ये लम्हे तो सर्वरी के साथ बिताने वाला है ना, उनको पूरी तरह जीना, क्योंकि शायद आज के बाद ऐसे पल तेरी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। अम्बे माता जी, आपसे बहुत नाराज हूँ, इतना प्यार करने वाले दो लोगों को जुदा कर सकती हो आप एक दूसरे से? अभी भी आपसे विनती कर रही, कोई चमत्कार कर दो, सर्वरी को बचा लो प्लीज। अम्बे माता जी, इंदु पोइनी, याद है ना, तू और पोइनी दोनों मिलके आज शौर्य के मनपसंद का खाना ही बनाओगी? हाँ, वही बनाने जा रही हूँ। लोग दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? वो कल फोटो शूट है ना, तो बाहर शॉपिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम वहीं मिलो। खोटू नहीं कहो, रोज कैसे फुदक फुदक के पार और चेनी पे इल्जाम लगा रही थी, पर ये देखो जैसे ही पार्थ ने शॉपिंग का लालच दिया, कैसे प्यार के गीत गाने लगी। नहीं, रास्ते में कोई गरीब नजर आए ना, उसे दे देना, ना जाने किसकी बुरी नजर पड़ी है हमारे बच्चों पर। श्रीनाथ जी से बढ़ के और कोई नहीं है, आज श्रीनाथ जी की ही कृपा से सब कुछ कुशल मंगल होता दिखता नजर आ रहा है। अब सबने मुझे बहू से बेटी बनाकर जो प्यार दिया है, उसके बदले मैं कुछ भी कर दूं तब भी आपके प्यार का कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। वादा है मेरा, इस परिवार की खुशियों को कभी नजर नहीं लगने दूंगी। श्रीनाथ जी सौनु भलू करे, बंगालन को क्या हो गया,
कल तक कड़वा करेला थी और आज अचानक से मिष्टी दो ही हो गई। कहूं पड़े हाँ, आज सुबह तो टहनी पे कैसे भड़क रही थी और अब देखो पार्थ के साथ शॉपिंग पे भी निकल पड़ी। कोई नहीं, हाँ बा, ये तो खुशी की बात है ना, घर में सब सुख शांति प्रेम बना रहे, यही तो तू भी चाहती है ना कि नहीं? चाहती हूँ ना बा, मैं क्यों नहीं चाहूंगी, मैं घर की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं तो चाहती हूँ बा कि घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ बना रहे। पर बा एकदम ऐसे चमत्कार हो गया, नहीं पार्थ के जन्मदिन पर ऐसे मुंह चढ़ा के बैठी थी और अभी उसी के साथ शॉपिंग के लिए भी निकल पड़ी। बस भी कीजिए मोटी बहन, कल जो कुछ भी हुआ उसका असर अगर आज नहीं हो रहा तो अच्छी बात है ना। वैसे भी पुरानी बातों को लेकर बैठना ठीक नहीं होता हर बार। इंदु क्या हो गया तुझे, इतने गुस्से में क्यों है? नहीं बा, आपने भी देखा ना, शर्वरी पर अपनी नाराजगी जताने के चक्कर में पार्थ के जीवन में कितनी गलतफहमियां खड़ी कर दी थी मैंने। इस बात का अफसोस है मुझे। अब जब बड़ी मुश्किल से सारी बातें संभल रही है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि पुरानी बातों को फिर से खड़ा किया जाए और मैं ये भी नहीं चाहती कि शर्वरी के सामने ये सारी बातें हो। देख तू चिंता मत कर, अब सब ठीक होगा। जा जो अपना काम करो। खोटू नहीं गोविंदु, अपने बेटे की गृहस्थी में जरा सी चिंगारी क्या पड़ी, तन बदन में आग लग गई ना तेरी। सोच मेरा कलेजा कैसे कटता होगा, मेरी बेटी की खुशियों की आहुति चढ़ाकर तू अपनी बेटी की मेहंदी रचाना चाहती है ना। माफ नहीं करूंगी मैं तुझे, कभी नहीं। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ उसी दर्द से तुझे भी गुजरना पड़ेगा।